कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। लोकेशन नई है, मैं अपने घर के नीचे शूट कर रहा हूं। कल रात को बारिश हुई थी, मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है हमारी दिल्ली का। फिर से थोड़ी थोड़ी सी ठंड आ गई है। तो और जो ये वीडियो है, बेसिकली आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कॉन्टिनेंटल बुक के बारे में, उसके लिए है। मैंने एक बुक रेडी करके रखी है जिसे कि मैं अब सेल कर रहा हूँ। आप चाहे तो उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, पर इस बुक को ही क्यों परचेज़ करें, मैं इसके पीछे आपको सारे रीज़न्स बताने वाला हूँ। आप लोगों को मालूम है जिस प्रकार से मैंने अपना जो डिप्लोमा स्टार्ट किया था, मैंने जो ट्रेनिंग्स करी फ्लाइट किचन में करी है, जहाँ या उस समय या उस सिनेरियो को बोल दीजिए कि मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे इंडियन या कॉन्टिनेंटल लाइन किस शेफ बनना है। पर उस समय जो लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो, विदेश में जाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आप इंडियन लाइन को चूज़ कीजिए, क्योंकि बाहर इंडियन खाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर अगर आप चाहते हो आगे जाना, आगे बढ़ना हिंदुस्तान में, तो आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन ही चुनना चाहिए, क्योंकि मेनली उस टाइम जो एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते थे होटल के, वो कॉन्टिनेंटल किचन से ही रहते थे। तो मैंने उस समय भी पैसे को ना चुनते हुए चुना अपने लिए, नया सीखने के लिए, कॉन्टिनेंटल किचन। और मैंने उसमें ही अपनी आगे लाइफ परस्यू करी। मैंने क्लैरिस होटल में काम किया, मैंने वहाँ गारमंजर में काम किया है, मैंने वहाँ कॉफ़ी शॉप में काम किया है। उसके बाद मैंने पार्क रॉयल दिल्ली का, जो कि इरोज़ इंटरकॉन्टिनेंटल के नाम से अब होटल है, वहाँ पे मैंने कॉफ़ी शॉप में काम किया। उसके बाद मैंने शिप में लगभग 8 या 9 साल कुछ काम किया है। और अपने पूरे एक्सपीरियंस से मुझे सिर्फ यही पता चला कि जो हम लोग इंडिया में खाना बनाते हैं कॉन्टिनेंटल किचन में, वो बिल्कुल ही आप बोल दीजिए एक फेक लगा लीजिए, या उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जिससे भी वो खाना सीखते हैं, वो एक्चुअल में उसे खुद नहीं मालूम होता है कॉन्टिनेंटल फूड क्या है, ना ही उसने इंग्रेडिएंट देखे होते हैं कॉन्टिनेंटल किचन के एक्चुअल में क्या होते हैं। ये कहीं कहीं पे बिल्कुल सच बात है। अब जो भी मैंने अपने कॉन्टिनेंटल किचन में सीखा, शेफ़ लोगों के साथ वहाँ सीखा, वही सारी चीज़ें इस बुक के अंदर आपको मिलेंगी। और ये बुक वो सारी रेसिपीज़ है जो कि हम लोग शिप में यूज़ कर सकते हैं, करते थे या करते होंगे, अभी भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे भी काफ़ी समय हो गया उस कंपनी को छोड़े हुए। तो इसके अंदर, इस बुक के अंदर आप बोल दीजिए तो 17 से 18 मैंने आपके चैप्टर्स हैं जिसके के अंदर काफ़ी सारी ढेर सारी रेसिपीज़ है। रेसिपीज़ की अगर बात करें तो लगभग 350 से 400 करीब इसमें रेसिपीज़ होनी चाहिए, जिनकी मैक्सिमम की पिक्चर्स भी आपको मिलेंगी, और सारी इसमें है बल्क रेसिपीज़। क्योंकि कॉन्टिनेंटल किचन अगर आप काम सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसी ही एक बुक की ज़रूरत है जो कि आपको एक्चुअल में नॉलेज दे। आप कोई भी बुक ले लेंगे बाहर से, उसमें से वही रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि लोग पसंद करते हैं, पर इस बुक में वो रेसिपीज़ है जो एक्चुअल में चलती हैं। अगर आप शिप में भी नौकरी करने की सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको यही सारी वहाँ पर रेसिपीज़ मिलेंगी। क्योंकि ये रेसिपी उस टाइम भी कोई रेसिपीज़ नहीं बनाता, तो उस टाइम भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, जो हमारे शेफ़ लोग थे वो बोलते थे, और ये सारी मेरे एक्सेल फॉर्मेट में है। तो मैं आपको जब ये दूंगा तो आप इसका चाहे प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको है। इसमें आपके होंगे एपिटाइज़र, कोल्ड एपिटाइज़र होंगे, हॉट एपिटाइज़र होंगे। जैसे कि कोल्ड एपिटाइज़र में आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपने सुनी भी नहीं होंगी, या आपको उनकी सुनी होंगी तो रेसिपी मालूम ही नहीं होंगी। जैसे कि हमारी सीविचे, ये एक पेरू की डिश है जो कि रॉ फिश के क्यूब्स काट के उसको खाया जाता है, और रेसिपीज़ के लिए तो आपको बुक लेनी ही चाहिए। इसके बाद आपको टेरिन या पाते के बारे में पता चलेगा, जो कि मैंने पिछले अपने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसमें आपके हॉट एपिटाइज़र्स में आपको मिलेंगे रागू। हो सकता है कई लोगों ने तो पहली बार ही सुना हो रागू क्या होता है, ये भी एक आपका एपिटाइज़र होता है। कोल्ड सूप, आपके मैंगो सूप, स्ट्रॉबेरी सूप, पाइनएप्पल सूप, एप्पल सूप, ढेर सारे सूप इसमें आपको मिलेंगे। इसके बाद इसमें है आपकी ढेर सारी कोल्ड सॉसेस। कोल्ड सॉसेस से मेरा मतलब है यहाँ पे वो सॉस जो कि हम लोग मेयोनेज़ हो गया, पेस्टो हो गया, सीजर ड्रेसिंग हुआ, ये सारी चीज़ें। और हाँ, मैं बीच में रोकता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहें इसको लेना, या लेने से पहले आप सोच रहे हैं कि कुछ आपको रेसिपीज़ मिल जाएँ, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ सैम्पल रेसिपीज़ भेज दूँगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको बुक लेनी है या नहीं लेनी। लेने का मतलब यही है कि आप लोग अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग आगे सीख के बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आगे। इसके बाद है इसमें एग डिशेस, कई सारी अंडे की आपको इसमें डिशेस मिल जाएंगी जो कि इंडिया में कहीं भी बनती नहीं है, यूज़ नहीं होती है। आपका एक आपकी स्पेन में बहुत ही ज़्यादा एक फेमस डिश है, वो एक ऑमलेट बनाते हैं आलू और अंडों का, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको कि हम लोग तौरतिया बोलते हैं।
आप इसमें आपको उसकी भी रेसिपी मिलेंगी जो कि खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। इसके बाद आप में इसको इसमें आपको मिलेंगे बीफ की रेसिपीज़, व्हील की रेसिपीज़, बीफ ओसोबोको आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, एक मिलान की डिश है, वहाँ जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं वहाँ की ये डिश है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है बोन विद अ होल, और ये बहुत ही ऐसी रेसिपी है जो कि जिसको कि पकने में ही 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप लोगों को जानना है कि रेसिपीज़ क्या होती है, कैसी होती है, आपको ये बुक लेनी ही चाहिए। इसके बाद है इसमें हमारी सी फूड की रेसिपीज़। सी फूड तो बहुत ही चलता है बाहर, क्योंकि ये सब कोस्टल एरिया है जहाँ जो समुद्र के किनारे हैं, तो बहुत सारी ऐसी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है जो आपके ट्रायल के लिए बिल्कुल ही बेस्ट है। अगर आप इन रेसिपीज़ को अपने ट्रायल्स में जाके देखते हैं, थोड़ी इसमें नोक झोंक तांग झाक करके, तो आपके ट्रायल्स बहुत ही अच्छे जाते हैं। इसमें आपको मिलेगी चिकन की रेसिपीज़, जो भी चिकन या पोल्ट्री आप बोल दीजिए, जो भी आप न्यू ईयर के टाइम यूज़ करते हैं या क्रिसमस के टाइम यूज़ करते हैं, या ऐसी ढेर सारी रेसिपीज़ जो आपने पहली बार ही सुनी होंगी। इसके बाद इसमें आपको मिलेंगे मिड नाइट स्नैक्स, स्नैक्स के टाइम क्रोकेट्स कटलेट्स कैसे बनते हैं, आपके खीश कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको मिलेंगे पास्ता की ढेर सारी डिशेज़। पास्ता तो इटालियन का आपको मालूम है, जान ही है, और आपको कम से कम 30 या 40 पास्ता की रेसिपीज़ तो ज़रूरी मिल जाएंगी। इसके बाद आपको मिलेंगी राइस की डिशेज़, जी हाँ चावल की डिशेज़। चावल की डिशेज़ भी यहाँ बहुत ही चलती हैं, जैसे कि हमारा रिसोटो है, रिसोटो की भी कई सारी वेराइटियाज़ हो जाएंगी आपकी। आपकी स्पेनिश में एक राइस बनता है जिसको कि हम लोग पाइलिया बोलते हैं, आप लोग उसकी रेसिपी भी इसमें आपको मिल जाएगी। उसमें एक इन्ग्रीडियंट यूज़ होता है या एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं सोफ्रीटो, सोफ्री तो भी आपको बनाने को मिल जाएगा इसमें। इसके बाद आपको मिलेंगे ढेर सारे सैलड्स की रेसिपी, सैंडविचेस की रेसिपी, हॉट सूप्स, जो भी सूप्स बाहर यूज़ होते हैं आपके मिनिस्ट्रों ने लगा लीजिए, कॉलीफ्लावर लगा लीजिए, आपके स्पेन के गैजपैचो सूप आप लगा लीजिए, आपको वो मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे ढेर सारी वेजिटेरियन डिशेज और तापस के आइटम। तापस स्पेनिश का एक वर्ड है, वहाँ में ये जो यूज़ होता है, शेफ लोग यहाँ से जाते हैं वहाँ सीखने के लिए तापस के बारे में या एंटीपास्टी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलने वाली है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मात्र इसका जो प्राइस मैंने 200 रुपये रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है। आप ये बुक ले लीजिए, एक जो पहली बुक आई थी, आप ये दो बुक और एक मेरी जो दूसरी एक जो पार्ट टू आएगा कुक बुक का, ये 3 बुक ले लीजिए। इसके बाद आपको लाइफ में कॉन्टिनेंटल के लिए कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो भी सैम्पल्स चाहता है इस बुक के, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकता है कि उन्हें सैंपल्स चाहिए, तो मैं उनको भेज दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप चाहे तो मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं, और शेयर कर देना इसे आगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।